हेलो एवरीवन एंड कास्टवेल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं इंडिया में अभी न्यूली लॉन्च हुई एक ऐसी एसयूवी जो कि महिंद्रा ने अभी इंट्रोड्यूस की है, एसयूवी 700, जिसका वेटिंग पीरियड आपको पता होगा और ये लोगों को कितनी पसंद आई है ये चीज़ भी आपको पता होगी। तो अभी इसका बेस वेरियंट देखने वाले हैं पेट्रोल में जो है, और 5-सीटर वेरियंट वाला है, मतलब MX वेरियंट है इसका, तो उसकी बातचीत करने वाले हैं। और भाई लिटरली इतना कुछ तो है इसके अंदर कि किसी को वैसे बैठा देना जिसने कभी देखी ना हो ये कि मतलब है क्या क्या, टॉप वेरियंट तरफ ना गया हो तो वो तो कह ही नहीं सकता कि ये बेस वेरिएंट है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती है जो कि प्रैक्टिकल यूज़ की हैं और आपको बाहर से काम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, देखेंगे कि बेस वेरिएंट आपको क्या क्या ऑफर करता है। और अगर आप प्लान कर रहे हो महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स महिंद्रा का शोरूम है फरीदाबाद में। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, और एक स्पेशल थैंक्स भी उनको जिन्होंने एक कार जो हमें अवेलेबल कराई। अगर आप प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, कॉल करो, टेस्ट ड्राइव बुक करो, अच्छी अच्छी डील्स ग्रैब करो और अपना शोरूम विजिट करो जो भी कार आपको देखनी है। और लैंडमार्क बताऊं तो NHPC मेट्रो स्टेशन है, जस्ट पीछे की साइड ही है, बस 100 मीटर आगे की तरफ आओगे तो अपना रोड पे दिख जाएगा और काफ़ी बड़ा है, वैसे चलते वलते भी दिख जाएगा आपको। तो आओ और चेकआउट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे भाई, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि 90% लोग हैं सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, समझ रहे हो आप बात। मतलब अगर 100 बंदे वीडियो देख रहे हैं तो 90 सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, 10 ही बंदे सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो उस चीज़ पे भी थोड़ा आप हेल्प कर सकते हो हमें, अगर आपकी इच्छा है, अगर अच्छी लगती है वीडियो। तो अभी स्टार्ट करते हैं गाड़ी की चाबी से कि आपको ऑफर क्या क्या करती है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई अभी गाड़ी की चाबियों से शुरू करें तो कुछ इस टाइप की आपको मिलती हैं अपनी चाबियाँ। तो इन चाबियों ने कर दिया भाई दीवाना, क्योंकि अगर आप AX5 लेते हो 5-सीटर वाला पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन, तो उसके अंदर भी आपको सेम यही चाबियां देखने मिलती हैं। और दोनों ही चाबियां मिलती हैं भाई, ऐसा नहीं है कि एक चाबी नॉर्मल मिलती है दूसरी अपना कंडोज मिलते हैं, दोनों यही ऐसी मिलती हैं और बेस वेरियंट है। और इसके अंदर भी आपको यही कंडोज मिल जाते हैं, यहाँ पर अपने डोर्स को लॉक करने के लिए बटन मिल जाती है, अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाती है, और यहाँ से अपना बूट जो है आप अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर मिलती है फ्लिप की, दोनों पे सेम कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, तो यही चाबी मिलेगी ऐसी। और पीछे कुछ ऐसा मिलेगा महिंद्रा का लोगो नया वाला। और अब इग्निशन में डाल के देखते हैं चाबी, तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन आपको मिल जाती है, चार तरफ जो रिंग देख रहे हो आप, तो इनमें आपको इल्यूमिनेशन मिल जाती है, जिसमें मतलब जैसे रात के टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और जब आप इसे एक बार ऑन करते हो चाबी को, तो ये अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ये ऑन हो जाता है। देखो आप अभी सामने से लाइट की रिफ्लेक्शन इतनी तेज आ रही है कि आपको ऐसा आइडिया लगेगा ही नहीं, तो ये ऑन हो जाता है, गाने वगैरह आप इसमें प्ले कर सकते हो। और ये इसके साथ आता है, ऐसा नहीं है भाई एसेसरीज के तौर पे लगाओ, ये आता ही है इसके साथ, और ये बेस वेरियंट है। अभी और बताता हूँ देखो, और अभी जब सेकेंड टाइम ये ऑन करते हैं ना, अभी देखो ये देखो भाई, मतलब गजब 7000 तक की RPM 220 की टॉप स्पीड, और ये बीच में MID मिलती है पूरी की पूरी। और इसके अंदर जब भी आप गाड़ी के अंदर आते हो ना, तो ऐसे पूरी इसके अंदर भी सेम एनिमेशन बन के आती है भाई, मतलब XUV बन के आती है, फिर वो ऐसे घूमती है फिर आती है, तो मतलब ये बेस वेरिएंट है भाई, और इससे आप क्या ही लोगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये मार्केट में कॉम्पिटिशन है ना 5-सीटर में, सबसे ज़्यादा जो 2 SUV बिक रही हैं उनको ये हर तरीके से कम्पीट कर सकती है। इस वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ तो इसका बेस वेरिएंट और दूसरे बेस वेरिएंट से बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको दे देता है। और बड़ी तो ऑफकोर्स ये है ही भाई, मतलब सेगमेंट से एक सेगमेंट ऊपर की है उनसे। और यहाँ पर अपना वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिलते हैं कुछ इस टाइप के, यहाँ हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल। और अभी स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो ये कुछ इस टाइप का मिलेगा, एक नॉर्मल सा स्टेयरिंग व्हील, नॉर्मल इन द सेंस इस पर लेदर रैपिंग नहीं मिलती है बस, बाकी कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के। और इस MID कंट्रोल जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, ये यहाँ पे नहीं मिलते हैं अपना स्टेयरिंग व्हील पे। तो इसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, फोन उठाने काटने के लिए बटन मिल जाती है, म्यूट वाली बटन मिल जाती है, आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, सिंक वगैरह सर्च वगैरह की बटन यहाँ पर मिल जाती है। और उसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो ये भी आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, मतलब ऐसे ऐसे हो जाता है, मतलब ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे आगे पीछे नहीं होता है। और ये फ्यूल और टेम्परेचर जो है ना भाई, ये इसके अंदर डिजिटली दिखता रहता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप कह नहीं सकते कि बेस वेरिएंट है। अभी डैशबोर्ड एक सेकंड में दिखाता हूँ, और यहाँ से स्टार्ट करें तो वहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है, एयरबैग की बैजिंग मिलती है, वाइट लाइट ऑफर होती है बेस वेरिएंट में। एक और प्लस पॉइंट, यहाँ पे अपना मैनुअल IRVM आपको मिल जाता है, और यहाँ पे टिकट होल्डर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है ड्राइवर साइड। और ये काफ़ी सॉफ्ट चीज़, मतलब मटेरियल जो है मिलता है, ऐसा नहीं कि बेस वेरिएंट में कोई कॉस्ट कटिंग की गई है, सारी चीज़ें मतलब ऐसा सही चीज़ें, मतलब ऐसा लगती हैं कि भाई हाँ ठीक है बेस वेरिएंट है, पर इनफ है, बहुत है, मतलब जो चीज़ें दी हुई हैं।
और इस सामने से देखो कुछ ऐसा मिलता है डैशबोर्ड का व्यू। तो ये कंपनी को डिपेंड करता है मेरे हिसाब से कि उनको अपनी गाड़ी की वैल्यू किस तरह से मतलब मार्केट में बनानी है। तो ये चीज़ कंपनी जो अपना ब्रांड वैल्यू वो उस तरीके से मेरे हिसाब से करती हैं कंपनियाँ, या फिर महिंद्रा ने ही पहला स्टेप उठाया कि उसका बेस वेरियंट ही मार्केट में अपीलिंग लगना चाहिए, कुछ ऐसा ना लगे कि भाई बेस वेरियंट है तो बिल्कुल ही खाली है। तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी भाई, मेरे ओपिनियन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बेस वेरियंट में अपना ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है, एप्पल कार प्ले नहीं आता इसके अंदर, और यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं और चार स्पीकर आते हैं गाड़ी के अंदर, ये अपना एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं और ये कुछ और कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, अपना पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, ए बैग रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, फोन वगैरह रख सकते हो चार्जिंग पे लगा के, 6-speed का मैनुअल गियर बॉक्स इस टाइप का मिलेगा, और ये बेस वेरियंट के हिसाब से आप नॉब देख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें बस यहाँ पे, ग्लॉसी ब्लैक ट्रिम नहीं आती, ये अपना मैट फिनिश में मिलती है, क्रोम टिप के साथ हैंड ब्रेक, और अपना आर्मरेस्ट भी यहाँ पे ऑफर हो जाता है जो कि काफ़ी स्पेस आपको ऑफर कर देता है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा ग्लो बॉक्स यहाँ पे ऑफर होता है, और ये फैब्रिक सीट्स आपको मिलती हैं ये कुछ इस टाइप के पैटर्न के साथ। और इनकी कंफर्ट की बात करूँ तो भाई एक तो जो मतलब ये व्यू एंगल है मेरे, देख लो आप बोनट देख रहा है मुझे क्लियर यहाँ से, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। और जब ऐसे चलते हो तो भाई पूरी एसयूवी जैसी फील तो भाई आती आती, और ये जब पता हो कि भाई एसयूवी 7 डॉलर के अंदर बैठे हैं तो भाई फिर तो पता ही आपको बात ही अलग है, समझ सकते हो आप। और यहाँ पर अपना 3 पैडल्स मिल जाते हैं, एक्सेलरेशन ब्रेक और क्लच, और डेड पैडल के लिए भी प्लेसमेंट मिलती है। ये अपना MID कंट्रोल इसके मिल जाते हैं, यहीं से आप इन्हें ऐसे कर सकते हो, आपको दिखेगा ही नहीं भाई, ये देखो यहीं से आप इसे कर सकते हो, यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन सेट कर सकते हो। और यहाँ पे इंजन स्टार्ट अपना स्टार्ट सो वाली बटन मिल जाती है जिससे अपना ट्रैफिक लाइट पे अपना ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर देती है इंजन को, लाइट लेवलिंग डायल यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ से कुछ रह गया तो आप पूछ लेना भाई कमेंट्स में, मेरे हिसाब से मैंने बता दिया सब कुछ, और रह गया तो पूछ लेना कमेंट्स में, नहीं बता पाऊँ तो इंस्टाग्राम पर आगे पूछ लेना, वहाँ पर बता दूंगा। और अभी सीट को मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर पीछे की साइड चलेंगे, बट उससे पहले आपको डोर पैनल दिखा देता हूँ कि बेस वेरिएंट का डोर पैनल आपको क्या क्या ऑफर कर देता है। तो ये कुछ इस टाइप का मिलेगा अपना डोर पैनल, यहाँ पे भी अपना ये बेज इंटीरियर मतलब थोड़ा सा बेज हाईलाइट, ब्लैक लगा डोलेवर, ये गन मेटल स्ट्रिप, यहाँ पे भी यही चीज़ मिलती है गन मेटल स्ट्रिप बेस वेरियंट के अंदर। ORBM अपना इसे लिटरली आप एडजस्ट कर सकते हो भाई, चारों पार विंडोज मिल जाती है, विंडोज को लॉक अनलॉक करने की बटन मिल जाती है, अपना डोर्स को लॉक करने के लिए बटन मिल जाती है, स्पीकर के प्लेस में बूट होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, ये बेस वेरिएंट है भाई, देख लेना भाई आप मार्केट में अभी और कैसे मतलब तबाही सी मचाने वाली है गाड़ी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो मतलब ऐसा अभी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट बंदों देखें और ऑन द स्पॉट ये बुक हुए हैं। अभी जब ये चीज़ें मार्केट के अंदर आएंगी ना, एक दो गाड़ियाँ जब रोड पर दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी तब देखना गाड़ी का चाप, तो तब पता चलेगा। और ये सीट भी आपको 6-way मैनुअल एडजस्ट कर मिलती है, जैसे आप आगे पीछे ऊपर नीचे 6 तरीके से एडजस्ट कर सकते हो अपनी हाइट के हिसाब से, और ये कुछ यहाँ से देख लो आप ऐसा दिखता है। और अभी पीछे एक स्पेस दिखा देता हूँ, ये सीट मैंने मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली है, और ये चीज़ें भाई बेस वेरिएंट से ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप मॉडल्स को दिखाने के लिए था कि भाई टॉप मॉडल्स में देंगे हम, तो ये अपने बेस वेरिएंट से दिया महिंद्रा ने। और अभी दिखाता हूँ आपको पीछे की स्पेसिंग वगैरह, नो डाउट स्पेस तो बहुत है गाड़ी के अंदर, बट फिर भी आपको चेकआउट करा देता हूँ एक बार। तो यहाँ से आपको बिल्कुल 1% अंदाजा नहीं लगेगा भाई कि आप बेस वेरिएंट के अंदर बैठे हुए हो, लिटरली मजा सा आ जाएगा। ये देखो पीछे से डैशबोर्ड का व्यू, यहाँ पे भी अपना व्हाइट लाइट ऑफर होती है, 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि इजी फोल्ड होते हैं, और हुक्स इन पे मिल जाते हैं 1, 2 और 3, 4 एडजस्टेड हैंडल्स मिलते हैं, बस ये फर्क है कि ये फैब्रिक में मिलते हैं, और टॉप एरियन तरफ जाओगे तो वहाँ पे लेदर वगैरह का काम आपको मिल जाएगा, ब्लैक कलर की फैब्रिक सीट्स, काफ़ी ज़्यादा शानदार एसी वेंट्स पीछे भाई, और अपना टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है भाई बेस वेरिएंट के अंदर, और क्या लोगे, यहाँ पे फोन वगैरह आप रख सकते हो, एक मिनिमल साम मिलता है, 3 बंदे इजीली बैठ जाएंगे। और पीछे बूट वगैरह की बात करेंगे, अभी पीछे दिखाता हूँ, और यहाँ से देखो आप कुछ रह गया हो तो, और स्पेस वगैरह देख लो, 5'9" मेरी हाइट है, और ये मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड सीट, और थोड़ा क्लाइन एंगल इस बार थोड़ा पीछे हुआ है, फिर भी आप स्पेस देख लो, और ये हेडरूम आप देख सकते हो भाई कितना बसता है मेरे पास। और यहाँ पे भी डोर पैनल पर आप देख लो यही सेम ट्रीटमेंट मिलता है, चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं, ये गन मेटल स्ट्रिप्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, स्पीकर की प्लेसमेंट, बूट होल्डर की प्लेसमेंट, और थोड़ी स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाती है, और ब्लैक कलर का डोलेवर यहाँ पे मिलता है। और अभी चलते हैं पीछे की साइड और बूट वगैरह देख लेते हैं, देन बाहर की प्रोफाइल, लास्ट अपना इंजन कंपार्टमेंट देखेंगे कैसी मिलती है इंजन प्लेसमेंट, और अभी चलते हैं बाहर की साइड। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब इन दोनों के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो ये चीज़ तो मैं आपको खोल के नहीं दिखा पाऊँगा, बट अभी अंदर से दिखा देता हूँ कि कैसी स्पेस मिलती है आपको पीछे की साइड। तो यहाँ से देख लेना, अभी एक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो ये देख लो यहाँ पे पीछे एक साइड भी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, कप होल्डर्स मिल जाते हैं दोनों साइड यहाँ पे भी, और ये पूरी प्रैक्टिकल स्पेस आपको मिलती है विदाउट लोड लिप, और टूल किट वगैरह तो आपको यहीं मिल जाती है, बाकी स्पेयर व्हील जो है वो गाड़ी के नीचे मिलता है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे 400 प्लस लीटर्स की बूट कैपेसिटी आपको ऑफर हो जाती है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है। तो इस चीज़ में मैं कह रहा था भाई एक तो बड़ी है ही ये, ऊपर से जो
देखेगी रोड पे अलग, वो चीज़ भी अलग है। और यहाँ पे मिलेगा अपना स्पेयर व्हील जो कि आपको दिख रहा होगा, ये रहा इस टाइप का। और अभी बात करते हैं गाड़ी के बाहर के प्रोफाइल की, बेस वेरिएंट आपको बाहर से क्या क्या ऑफर करता है, और फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट कर लेते हैं कि मिलता क्या क्या आपको एक्चुअली। तो अभी बात करते हैं कि बेस वेरिएंट आपको ऑफर क्या करता है। तो पहली बात ये देखो, फ्रंट से ये चार्म तो इस गाड़ी का दिखता ही है बेस वेरिएंट से, बट यहाँ पे अपने DRS वगैरह नहीं आते, इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट यहाँ आ जाती है इसमें। और ये हैलोजन बेस मिलते हैं, डुअल चैम्बर हेडलैम्प्स, क्योंकि येलो लाइट आपको ऑफर करते हैं, नीचे फॉग लैंप्स वगैरह नहीं आते, तो एक बुक की प्लेसमेंट मिल जाती है। महिंद्रा का लोगो जरूर मिलता है बीच में, ऐसे चमचमाता हुआ, ग्लॉसी ब्लैक टिम्स मिलती हैं फ्रंट प्रोफाइल में बेस वेरिएंट से। नंबर प्लेट की प्लेसमेंट यहाँ पर मिलती है, और ये एयर इनटेक के लिए अच्छा सा एरिया यहाँ पे आपको ऑफर हो जाता है। और ये देखो साइड से कुछ ऐसी दिखती है, क्लैडिंग्स वगैरह तो आती हैं, बस बेस वेरिएंट में बस व्हील कवर, मतलब ऐसा व्हील कुछ ऐसे मिलते हैं, स्टील व्हील्स। MRF के टायर्स मिलेंगे, उनके टायर सेक्शन की बात करें तो आपको 235, 65 और 17 वैसे 17 इंच के मिलते हैं। अलॉय व्हील भी आएंगे तो वो भी अपना 17 इंच के मिलेंगे, स्टील व्हील भी अपना 17 इंच के। आगे डिस्क और पीछे भी अपना डिस्क ब्रेक से ऑफर होते हैं, और साइड में ग्लॉसी ब्लैक ORVMs मिल जाते हैं इंडिकेटर्स के साथ बेस वेरिएंट के अंदर। और ये डोर हैंडल्स भाई ये तो गजब ही है, और ये साइड से कुछ ऐसी दिखती है। ऊपर की साइड रूफ रेल्स मिल जाते हैं, नॉर्मल से एंटीना की प्लेसमेंट मिल जाती है। और यहाँ से डलेगा गाड़ी के अंदर पेट्रोल, जबकि एक सेकंड दिखाता हूँ आपको कैसे होगा ये ओपन। तो जस्ट सिंपली आपको गाड़ी को अनलॉक करना है ऐसे, और ये अपना खुल जाएगा, और यहाँ से डलेगा गाड़ी के अंदर पेट्रोल, और जब इसे लॉक कर दोगे तो ये नहीं खुलेगा, तो इसे हम अनलॉक ही कर देते हैं अभी। और ये पीछे से कुछ ऐसे मिलते हैं, अपना हैलोजन बेस टेल लैंप्स, इंडिकेटर्स, बैक लाइट्स, स्टॉप लैंप वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। पीछे अपना स्टॉप लैंप जरूर आपको देखने मिल जाता है, यहाँ पे डिफॉगर वाइपर नहीं आता। महिंद्रा का लोगो, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, और नीचे रिफ्लेक्टर्स, दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, और यहाँ मिलती है 127 OO की बैजिंग। और ये देख लो भाई बहुत ही ज़्यादा शानदार, मतलब मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि आपको इसके अंदर अगर बेसिक यूज़ है ना आपका, प्रैक्टिकल यूज़ के अंदर चाहिए, फीचर्स को लेना देना नहीं है, तो बेसिक सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे मिलती है आपको। और अब भी बात कर लेते हैं कि इंजन भी कैसा मिलता है गाड़ी का, कैसी मिलती है इंजन प्लेसमेंट, तो वो भी अभी दिखा देता हूँ आपको एक सेकेंड। तो यहाँ से खुलेगा गाड़ी का बोनट ईजी, और हैज़र्ड लाइट ऑन हो चुकी है, जैसा कि महिंद्रा की हर गाड़ी के साथ होता है। जब भी आप बॉन्ड के लेवर पुल करोगे तो ये जल्दी स्टार्ट हो जाए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये यहाँ पे देख सकते हो। तो एक सेकंड इसे खोल लेते हैं फिर मिलते हैं। तो अब इंजन बे की बात करें तो पहली बात यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में दिखाने के लिए, बेस वेरिएंट से अपना मिलती है यहाँ पे। और यहाँ अपना मिलता है 1999 CC का, मतलब 1999 CC का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 197 BHP के आसपास निकालता है, और 380 Nm के आसपास का इसमें टॉर्क आपको मिल जाता है। और माइलेज वगैरह की बात करें तो भाई ये ड्राइविंग पैटर्न पर डिपेंड करता है, इतने बड़े इंजन से आप, मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई 16 की माइलेज बंदे ने निकाली हुई है एक ने, और 10 की भी इससे निकाल सकता है, वो सब ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर बात है, बट फिर भी एक आइडिया मान के चलो 10 से 12 के बीच में आप निकाल लोगे इससे। और 60 लीटर की अपनी फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और ये देख लो कुछ ऐसा मिलता है इंजन पे, और एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं फिर मिलते हैं। तो ये थी XUV700 MX बेस वेरिएंट पेट्रोल में 5 सीटर वाला, कैसी लगी वीडियो बता देना कमेंट्स में, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे अपना प्यार जरूर दें, और फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। बाय बाय।